ओबीसी की पार्टी यहाँ लड़ने जा रही है। लोकतंत्र में अधिकार है, लड़े बिल्कुल लड़े, लेकिन पहले अपने स्टेट में तो लड़ लें, वहां 4 ही 5 सीट पर होती है हमेशा। अरे भी वहां पहले पूरा लड़े, पहले घर में। दरअसल होता क्या है ना कि मार्केटिंग में कहते हैं कुछ भी बेचना हो तो मेरे घर में बेच दो, तो पहले घर में तो चुनाव लड़ने, वहां 4 ही 5 सीट पे लड़ते हैं भाई, राजा के खिलाफ भी नहीं लड़ते, तो पहले वहां लड़ने फिर यहां भी लड़े, कौन मना कर रहा है। और एक बात है, एक तबका ये चाहता है कि पहले अलायंस ना होता तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वोटों का बंटवारा हो जाए, जिसको आप ए कहते हैं। मैं तो सबको इंसान मानता हूं और सबको भारत की महान जनता मानता हूं, लेकिन आपके हिसाब से है खास, तो नहीं, ये उस भाई हिसाब मैं कह से रहा हूं पीडीए के हिसाब से, क्योंकि एक ए नहीं तो नहीं भाई निकल गया मुसलमान की बात राज्यसभा कर रहा है, चुनाव मैं में, खुल के बोल देता एक ए हूं, बचा हुआ है मुसलमान उसकी बोल बात। देता हूं, मैं मुसलमान बोल देता हूं, मुसलमान की बात। मैं अल्पसंख्यक तो कहता मैं ये हूं। कह रहा हूं ना, मैं ही ये कह रहा हूं कि पहले चाह रहे थे कि कांग्रेस से गठबंधन ना हो तो उसमें कुछ डिवाइडेशन हो जाए, अब ओवैसी साहब आने 8-10 सीट पे लड़ जाए, उस पर बंटवारा हो जाए। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, उसको पता है कि कब कहां वोट करना है, वो आकलन कर कर कि कौन किसको हरा पाएगा, कौन जीतेगा, किसकी क्या विचारधारा है, इन सब बातों का आकलन कर तो कर फिर वो वोट क्यों करते हैं। दानिश कुरैशी अधिकार जी की ओवैसी साहब पार्टी का को भी है, लेकर मन क्यों होगा कहा तो जा वो रहा भी है? कहते जी। आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि स्वागत है, आइए लड़िए, फिर आप कह रहे हैं कि पहले घर में देख लीजिए। पहले वहां पूरा लड़े, उनकी 4 स्टेटों से बाउंड्री लगती है, झारखंड से लगती है, कर्नाटका से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, वहां क्यों नहीं लगते। अब हमें कुछ बेचना है तो हम अपने घर में ना बेचे, उड़ वही के सही वहां चले जाए। बात। भाई दानिश पहले कुरैशी वहां जी, लड़ लीजिए, खूब दानिश बढ़िया कुरैशी लड़िए, जी, खूब बढ़िया जीतिए, खूब जी बढ़िया लड़ाइए, एमपी में हराइए, तब खजुराहो की यहां आके सीट ले स्वागत लेते है हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी पार्टी आने से ये कहावत कहने लगते हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि तारिक खान साहब जो बात कह रहे हैं राहुल जी, उनको देश की राजनीति के अंदर लोगों जो मतदार हैं वो लोग इन्हें मार्केटिंग का टूल नजर आते हैं। यही मानसिकता है समाजवादी पार्टी की। आप देखिए क्या कह रहे हैं वो, मार्केटिंग का टूल। अरे आप, जनता सर्वोपरि है, ये बात जितनी जल्दी समाजवादी पार्टी समझ जाएगी उतना बेहतर है। और हम कहां से लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे, ये तो ऐसा लगता है कि आप जी भी पार्टी ज्वाइन करिए और पार्टी ज्वाइन करके अपना नाम उसमें जो वो करवाइए, तो देखते हैं उसमें, समझे आप, नहीं, मेरी उनको आवाज आ डर रही है कि है। मुस्लिम वोट बैंक वो बटेगा और उससे नुकसान, और वो सीटें आप लोगों ने चुनी जो कि कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल, जहां समाजवादी पार्टी बेहतर स्थिति में है। मैं आपको एक बात कह दूं कि कहां बेहतर स्थिति में है, कहां नहीं है, हमने देखा नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह जुल्म और ज्यादती हुई, तो बिल्कुल खामोश रहते हैं अखिलेश यादव, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, उनके खुद के नेता जो जेल में पड़े हैं उनसे उनकी खबर तक लेने नहीं जाते। तो अवाम में जो लोग चाहना बड़ी है, शौकत साहब की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, लोगों की तरफ से जो आह्वान आ रहा है, तो हम तो ठीक, लोगों का सम्मान लेकिन रख के एक जाएंगे। आरोप और लगता है कि बीजेपी की मदद करते हैं आप लोग। देखिए आरोप प्रत्यारोप आपका हक है, आप मानिए।